चलिए अब खबरें विस्तार से। इस बीच बड़ी अपडेट गुजरात के वडोदरा से मिल रही है। दरअसल वडोदरा के गरबा ग्राउंड में तिलक लगा करके ही आपको एंट्री मिलेगी। अगर आपने तिलक नहीं लगाया तो आपको गरबा खेलने की इजाजत भी नहीं मिलेगी। गरबा महोत्सव में गैर हिंदू का आना भी बैन है। गुजरात के वडोदरा में गरबा खेलने हैं तो अब आपको तिलक लगाकर ही आना होगा। यानी तिलक नहीं लगा तो गरबा मैदान में आपको एंट्री नहीं मिल पाएगी। आप गरबा मैदान में घुस भी नहीं पाएंगे। जो तिलक लगा कर आएंगे उन्हें एंट्री दी जाएगी और वह गरबा खेल पाएंगे, जिससे कोई भी गैर हिंदू गरबा मैदान में ना घुस पाए। उसको देखते हुए ये अहम कदम जो है वो उठाया गया है। गुजरात के वडोदरा में अगर आपको गरबा खेलना है तो तिलक लगा करके ही जाना होगा। अगर आपने तिलक नहीं लगाया है तो आपकी गरबा मैदान में एंट्री नहीं होगी, आप गरबा नहीं खेल पाएंगे। यानी कि नो तिलक नो एंट्री, तिलक लगाइए और गरबा खेल पाइए। अगर तिलक नहीं तो आप गरबा भी नहीं खेल पाएंगे। ये फैसला इसीलिए लिया गया है ताकि जो गैर हिंदू है वो गरबा मैदान में ना घुस पाए, क्योंकि अमूमन देखा गया है जब भी गरबा खेलने के लिए बड़े स्तर पर आयोजन किया जाता है उस वक्त गैर हिंदू वहां पर पहुंच जाते हैं, जिसके बाद माहौल वहां का खराब किया जाता है। लड़कियों से छेड़छाड़ के भी कई ऐसी शिकायतें हैं जो कि इससे पहले मिल चुकी है। उन्हीं शिकायतों को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा के मद्देनजर ये अहम फैसला जो है वो लिया गया है कि अगर आपको गरबा ग्राउंड में एंट्री लेनी है तो उसके लिए आपको तिलक लगाना होगा। अगर तिलक नहीं लगाया तो आप गरबा नहीं खेल पाएंगे, आपको गरबा खेलने के लिए इजाजत नहीं मिलेगी, गरबा ग्राउंड में एंट्री नहीं हो पाएगी। तो तिलक नहीं लगा तो गरबा खेलने की इजाजत नहीं। दरअसल इससे पहले जब गुजरात में ही गरबा का आयोजन किया गया था, बड़े स्तर पर गरबा खेला जा रहा था, उस वक्त देखा गया था कि कुछ गैर हिंदू लोग जो हैं वो गरबा खेलने के लिए वहां पर पहुंचे थे। लड़कियों के साथ छेड़छाड़ की गई थी, माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की गई थी, तो उसी को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है ताकि जो गैर हिंदू है वो मैदान में ना घुस पाए और लास्ट ईयर की तरह इस बार माहौल खराब ना हो। तो देखिए गुजरात में ना ना केवल वडोदरा में बल्कि गुजरात में तमाम जगहों पर गरबा का आयोजन एक बड़े स्तर पर किया जाता है, तो ऐसे में सुरक्षा के वहां पर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और इस बार नियमों में भी कुछ बदलाव किया गया है। ये नियमों में बदलाव के पीछे की वजह मानी जा रही है कि पिछली बार गरबा के दौरान ही कई शिकायतें मिली थी, माहौल जो है वो काफी ज्यादा खराब हो गया था। उसी तरीके का माहौल इस बार ना पैदा हो, वही स्थिति ना हो, उसी को देखते हुए कई बड़े बदलाव किए गए हैं। तिलक नहीं लगा होगा तो आपको गरबा ग्राउंड में एंट्री नहीं मिलेगी। जब गरबा का प्रथम दिन हो, माँ की आराधना हो, तब हमारी संस्कृति जो है वो तिलक से शुरू होती है। तिलक प्रतीक है वो हिंदुत्व का, तिलक प्रतीक है उस संस्कृति का कि जो कई सालों से कई पीढ़ियों से चली आती आ रही है। वीएनएफ बड़ोदरा नवरात्र फेस्टिवल ने भी तिलक का संकल्प करते हुए हर एक खिलैया को तिलक के साथ ही ग्राउंड के अंदर प्रवेश करे ऐसा संकल्प लिया है और उसी के तहत आज ये हम तिलक के साथ का जो आने का जो संभावना है वो हम लोग व्यक्त कर रहे हैं।